सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दुष्यंत सिंह भदौरिया और मैं आपका एपिटून पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं हर्षवर्धन जैन के बारे में, जिनका जन्म राजस्थान के एक शहर जयपुर के पास में एक छोटे से गाँव में हुआ, जिनके पिताजी पशु चिकित्सालय में काम करते थे और जिनकी माताश्री एक गृहिणी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इससे ज़्यादा ज़िद्दी, पागल और हटी व्यक्ति नहीं देखा। इनके जीवन से जो सीखे जा सकते हैं, आज हम उन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। पर उससे पहले, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। ये व्यक्ति हर चीज़ को ना मोटिवेशन में कन्वर्ट कर देता। इनसे किसी ने पूछा कि हमने सुना है कि आपके पिताजी की शादी के बाद जब उनकी कोई संतान 11 साल तक नहीं हुई तो उन्होंने ज्योतिषी को दिखाना शुरू कर दिया, उन्होंने परेशान होना शुरू कर दिया। तो इन्होंने उसके उत्तर में क्या कहा, ये उसके उत्तर में कहते हैं कि उनको ज्योतिषी ने बताया कि जो बच्चा पैदा होने वाला है वो हाथी का बच्चा है, समय तो लेगा पर जब पैदा होगा तो धरती हिलेगी, धरती। आप सोच सकते हैं कि कितना ही मोटिवेटेड व्यक्ति है कि हर चीज़ में मोटिवेशन ले आता है। इनके जीवन से जो सीखे जा सकते हैं वो तीन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला फोकस। फोकस, इनका कहना है कि चीज़ों में फोकस होना बहुत ज़रूरी है और गोल्स कम होना ज़रूरी है, क्योंकि जितने कम गोल्स होंगे, जितना कम फोकस होगा उतना अच्छा है। फोकस इनका इतना बेस्ट था कि जिस चीज़ को पकड़ लेते हैं ना, उस चीज़ को बिल्कुल पकड़ के रह जाते हैं। एक बचपन की इनकी कहानी लोग बताते हैं कि जब ये बहुत छोटे हुआ करते थे, 7 या 8 साल के हुआ करते थे, तब इनको एकदम से तैराकी का शौक लगा। अब भाई गांव में थे तो वहाँ पर बड़े लोगों के साथ तैराकी करने जाया करते थे, तो 1200-1300 फुट गहरे कुओं में तैराकी करने लग जाते थे, क्योंकि शौक इतना, ज़िद्दीपन इतना कि जो चीज़ पसंद आ गई उस पर टोटल फोकस होकर के लग गए। इनकी माताश्री ने इनको बहुत मारा और घर वापस लेकर के आ गई, इसे कहते हैं फोकस। दूसरी कहानी में बताते हैं कि फिर इनको शौक लग गया क्रिकेट का, और क्रिकेट का भी ऐसा शौक लगा कि 11-11, 12-12 घंटे स्टेडियम में अपना टाइम दे रहे हैं, इतना खतरनाक टाइम दे रहे हैं कि माताजी को उनको लेकर के जाना पड़ रहा है कि भैया तुम वहाँ पर ही खाना खाओ, वहीं पर ही अपना भैया देख लो, क्योंकि अब भाई माँ है, टेंशन तो होगी उसको। सेकेंड पॉइंट जिस पर बात करने जा रहे हैं, डेडिकेशन। सीखना बहुत ज़रूरी है कि डेडिकेशन की ज़रूरत, समर्पण की ज़रूरत तब शुरू होती है जब इंसान परेशान होता है। जब ज़िंदगी में आपके पास कुछ नहीं बचता है ना, तब समर्पण बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि तब इंसान इधर उधर डोलने लग जाता है, वो हर चीज़ को करने को कोशिश करता है जिससे उसकी परेशानी ख़त्म हो जाए। पर जो अपने काम के प्रति समर्पित रहता है, डेडिकेटेड रहता है, वही व्यक्ति आगे चल करके एक सक्सेसफुल व्यक्ति बन पाता है। इसका आप एक अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं कि 2000 में जब इन्होंने अपनी नेटवर्क मार्केटिंग में काम शुरू किया तो ये बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर पा रहे थे। 7 साल बाद वो कंपनी भी बंद हो गई। उसके बाद इन्होंने दूसरी कंपनी को ज्वाइन किया, वहाँ भी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे, फिर भी लोगों के इन्होंने सीखा, अपने सीनियर से सीखा और काम को करते रहे। दिस इज़ कॉल्ड एंड डेडिकेशन। ये डेडिकेशन अगर आप में है और अगर आप इसके साथ वर्क कर पा रहे हैं तो हाँ भैया, आप आगे बढ़ सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो कहता है, फेथ इन योर ड्रीम्स। भैया अपने ड्रीम्स पर अगर आपको फेथ नहीं है ना, तो आप बहुत गलत कर रहे हो। आपको अपने ड्रीम्स पर फेथ तो रखना ही पड़ेगा। यहाँ से आपको मैं दिखाता हूँ कि फेथ ऑफ ड्रीम यहाँ इनसे कैसे सीखा जा सकता है। ये बताते हैं कि इनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई जब इन्होंने 2016 में चालू किया था अपना यूट्यूब चैनल। तो ऐसा नहीं था कि इन्होंने वीडियो डाली और एकदम से उठना शुरू हो गया, ये बस वीडियो डाल रहे थे और 6-7 महीने बाद इनको एकदम से अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग गया। इन्होंने क्या कर दिया, वहाँ से रिजल्ट निकालना शुरू कर दिया। बट इनका मेन मोटिव यूट्यूब या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं था, इनका मेन मोटिव लोगों तक पहुंचना, एक बड़ी ऑडियंस को अपने साथ जोड़ना और इंटरेक्ट करना था। और हाँ, आज वो कर पा रहे हैं। उन्होंने उस चीज़ के लिए हर चीज़ करना शुरू कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने अपने सर के बाल उड़वा दिए। वो कहते हैं बाल जाए, उससे पहले बाल मैं खुद हटा देता हूँ, कम से कम मेरी एक यूनिक आइडेंटिटी तो बनेगी। वो कहते हैं कि लोग आज मुझे टकला मोटिवेशन करके सर्च मारते हैं तो सबसे पहले उनका नाम आता है। और हाँ भाई, ये बिल्कुल सच्ची बात है, अगर आप उनको टकला मोटिवेशन करके सर्च मारोगे ना, तो जो सबसे पहला चैनल, जो सबसे पहली वीडियो आएगी वो हर्षवर्धन जैन की आएगी। एंड दिस शोज कि भैया अगर आपको अपने ड्रीम्स पर फेथ है तो 100% आप एक दिन अपने ड्रीम्स को अचीव कर लोगे। ये दिखाता है कि ये कितना ज़िद्दी है, कितना पागल है ये व्यक्ति अपने काम के लिए। यहाँ से जो हमको सीखने को मिलता है ना, वो ये सीखने को मिलता है कि अगर आप किसी काम को एक डेडिकेशन के साथ शुरू कर चुके हैं ना, तो उसमें ये ना देखें कि आप अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपको बिल्कुल एक किसान की तरह काम करना चाहिए। अगर बीज बो दिया है तो उसको नरिश करते रहो, उसको पानी दो, उसको खाद दो, और तब तक देते रहो जब तक वो फल देना शुरू ना कर दे। जब वो फल देगा तो एक अच्छा रिजल्ट ही देगा। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। जय हिंद, जय मां भारती।